हुए थे। हरिद्वार के लक्सर की बात करेंगे। आपको बताते रहे, जनपद हरिद्वार के लक्सर में एक्सप्रेस ट्रेन का सफर कर रही महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अधिकारियों ने नॉन स्टॉप ट्रेन को बीच रास्ते में ही रुकवा लिया। डर से करा रही महिला को जीआरपी पुलिस के अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने बेटे को जन्म दिया है। आपको बताते, लुधियाना की एक फैक्ट्री में काम करने वाले अजय शाह पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार के नवादा स्थित चकोर गांव जा रहे थे। जब यह ट्रेन के सहारनपुर स्टेशन से चली तो बीच रास्ते में उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी। तबीयत बिगड़ने पर अजय शाह ने टीटी से संपर्क किया। टीटी ने लक्सर में गाड़ी का स्टॉपेज ना होने के चलते फोन पर अधिकारियों से संपर्क किया। आला अधिकारियों के आदेश पर स्टॉपेज ना होने के बावजूद भी ट्रेन को बीच रास्ते में लक्सर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। इसी बीच लक्सर जीआरपी पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी। आपको बताते चले, ट्रेन रुकने से पहले जीआरपी ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली थी। वहीं अजय शाह ने जीआरपी लक्सर थाना अध्यक्ष सुभाष चंद्र और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया। हर तरह से खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले तो आपका स्वागत, धन्यवाद। आज जो ट्रेन रुकी थी उसमें एक महिला लुधियाना से अपने घर जाने के लिए आई थी, तो उसे रास्ते, वो गर्भवती थी, तो उसे रास्ते में पेन महसूस हुआ होगा, तो उसने सूचना इसकी जो है ट्रेन रेलवे के माध्यम से दी, जिसकी वजह से ट्रेन यहाँ रुकी गई। तो उसके गर्भवती होने की वजह से उसे पेन ज़्यादा हो रहा था। उस समय मौके के हालातों को देखते हुए तत्काल 108 को बुलाया गया। 108 बुला करके जो भी यथासंभव उसकी मदद की जा सकती थी वो की और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है। और आप सुना है कि वहाँ हॉस्पिटल में उसका नॉर्मल वेस है। तो आपको बताते चलें कि रेलवे प्रशासन के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है, सराहनीय कदम ये बताया जा रहा है। लक्सर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण कुमार जुड़ चुके हैं। अरुण, पूरी जानकारी चाहते हैं। एक स्टॉपेज नहीं था लेकिन फिर भी ट्रेन को रोका गया क्योंकि प्रसव पीड़ा से कराह रही थी युवती, और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों पति पत्नी थे, बच्चा भी इनके साथ था, एक छोटा था, लुधियाना से अपने घर जा रहे थे। जबकि ट्रेन जो है उसका स्टॉपेज जो लक्सर रेलवे स्टेशन पर नहीं था, लेकिन सहारनपुर जैसे ही ट्रेन ने क्रॉस किया तो महिला को जो पीड़ा है वो शुरू हो गई और वो जो है दर्द से कर्रा रही थी। तभी टीटी से संपर्क किया गया, टीटी के द्वारा जो है रेलवे प्रशासन से संपर्क किया गया, तो लक्सर रेलवे स्टेशन पर जो है उनके लिए एम्बुलेंस 108 जो है तैयार कर ली गई थी प्रशासन के द्वारा जी, और ट्रेन को लक्सर रेलवे स्टेशन पर रोककर जो है उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, जहां उनकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उन्हें जो है बेटा प्राप्त हुआ है। जी, बेहद सराहनीय कदम यहां पर रेलवे के द्वारा उठाया गया है। अरुण, महिला की स्थिति अभी कैसी है, इसके साथ साथ ये भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, क्षेत्र के जो लोग हैं वो रेलवे प्रशासन की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और जो जीआरपी के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है बहुत ही सराहनीय कदम लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और इसमें जो महिला की जो सूचना है कि महिला जो है फिलहाल स्थिति सही बनी हुई है और जच्चा बच्चा दोनों जो है बिल्कुल सही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्सर से हमारे संवाददाता अरुण कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए थे।